जो दो साल से हम लोग बंधे हुए थे, वो दो साल जो बंधन जो टूटा है लॉकडाउन का, तो खुल करके ईद मनाना चाह रहे हैं। खुशी का कोई अंत नहीं है, लॉकडाउन खत्म हो गया है और हम लोग का ये सब इतना खुशी है कि उसका कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा माह है, माह बरकत का महीना है, जिसमें अल्लाह हम लोगों को इतना बरकत देता है कि हम लोगों की एक एक ज़रूरत पूरी हो जाती है। और खुदा का शुक्र है, ऊपर वाले का एक बहुत अच्छी दुकानदारी है, हम लोग उसके लिए कोई बात नहीं, कोई घबरा नहीं रहे। बस यही है कि इस बार मतलब कि लॉकडाउन का कुछ ऐसा डर नहीं है। सेवइयाँ हैं, लच्छे हैं, रोटियां हैं, बगरखानी है, मीट है, दूध है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स है, शीर खुरमा के लिए ये सब चीज़ें हम लोग खरीदेंगे। पूरी की पूरी तैयारी बाकी है अभी। बेसिक है जैसे शेर खुरमा हम लोग जो बनाते हैं, सेवई बनाते हैं, उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए पहुँचे हैं। और क्या, बच्चों की खुशियों के लिए उनके कपड़े का, लिबास का, जो उनके पसंद का वो दिलाना है, ये सब चीज़ हम लोगों के तैयारी कर रहे हैं इसी सिलसिले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसडी न्यूज़ और मैं हूँ आपके बीच अनामिका। 30 दिनों के रोजा के बाद ईद का त्यौहार आने वाला है, जिसको लेकर जिससे जुड़ी खबर को पहुंचाने के लिए अभी हम मौजूद हैं सब्जी बाग में और आपको बताएंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं ईद से जुड़ी। आइए जानते हैं, आइए बात करते हैं मौजूदा लोगों से, क्या कुछ तैयारियां हैं उनकी ईद को लेकर जानते हैं। जी मैडम, ईद एक ऐसा पर्व है जिसमें पौधान से लेकर करके घर का गलीचा सब कुछ हम लोग बदल देते हैं। ये एक ऐसा माह है, माह बरकत का महीना है, जिसमें अल्लाह हम लोगों को इतना बरकत देता है कि हम लोगों की एक एक ज़रूरत पूरी हो जाती है। बच्चों का कपड़ा हो, चप्पल हो, जूता हो, घर में मिठाइयाँ हो, सेवई हो, रोटियाँ हो, बगरखानी हो, कपड़े हो, जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब चीज़ तैयारी चल रही है। अभी हर महीने हम लोग मतलब रोज़ा रखते हैं और उसका जो रिटर्न मिलता है उसकी खुशी इतनी उमड़ती है कि एक एक लोगों के लिए, घर के एक एक मेम्बर के लिए हम लोग चीज़ ख़रीदते हैं। प्लस जो ज़कात निकालते हैं, फितरा निकालते हैं, उससे अपने आसपास के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, मिस्कीन हैं, उनको देते हैं और उनकी भी पूरी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ईद को लेकर आपकी पूरी तैयारियां चल रही हैं, तो और क्या कुछ है जो आप अभी इस बाज़ार से ख़रीदने वाले हैं? अभी बहुत कुछ बाकी है, शाम का जो फिनिशिंग होगा उसमें हम लोग सेवइयाँ हैं, लच्छे हैं, रोटियाँ हैं, बगरखानी है, मीट है, दूध है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स है, शीर खुरमा के लिए ये सब चीज़ें हम लोग खरीदेंगे। पूरी की पूरी तैयारी बाकी है अभी। वो जो रात का, जो चांद रात का जो मज़ा है ना, वो पूरे महीने में नहीं मिलता है। शीर चाय हम लोग पियेंगे, हलीम खाएंगे, बिरयानी खाएंगे वगैरह वगैरह। तो औरतें भी काफ़ी निकली हुई हैं, जलसा खरीदना है, कुर्ते पैजामे का बटन छूटा हुआ है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, गंजी है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। जैसे शादी ब्याह में हम लोग तैयारी करते हैं, वैसे ही ईद भी तैयारी करते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है। 11th आवर में भी हम लोगों को, और सब्जी बाग तो मेन सेंटर है यहाँ पे, फुलवारी शरीफ, दानापुर, पटना सिटी, हर जगह के लोग आते हैं और एक एक चीज़ खरीदते हैं, A to Z, पौधान से लेकर करके वो बढ़िया से बढ़िया बेडशीट और गलीचा और सब कुछ खरीदते हैं टोटल। जी, तो देखा आपने क्या कुछ बताया इन्होंने ईद से जुड़ी चीज़ों के बारे में और क्या क्या बताया इन्होंने, क्या कुछ खरीदारी इन्होंने की है और साथ साथ किस तरीके के जो व्यंजन है इनके घर में बनाया जाता है। एक और दुकानदार हमारे बीच है, आइए बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इतनी महंगाई के बाद, पूरे दो साल बाद जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और अपनी खरीदारी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं कि देखिए, इस बार तो हम लोग इतना खुशी लग रहा है, खुशी का कोई अंत नहीं है, लॉकडाउन खत्म हो गया है और हम लोग का ये सब इतना खुशी है कि उसका कोई अंत नहीं, जितना भी सोचे कम है। और खुदा का शुक्र है, ऊपर वाले का एक बहुत अच्छी दुकानदारी है, हम लोग उसके लिए कोई बात नहीं, कोई घबरा नहीं रहे। लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं आपके दुकान पे, पूरी अल्लाह की बरकत है। जी, खुदा का शुक्र है, अल्लाह पाक का देन है। आइए बात करते हैं, मौजूदा एक परिवार है, किस तरीके से ये जो ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम सैयद तनवीर इकबाल है। ईद की खुशी के मौके पे बच्चों का कपड़ा ख़रीदारी करना, घर के सब लोगों का जो है कपड़ा है, ईद की सेवइयाँ है, लच्छा है, और सबसे ज़्यादा जो है बच्चों की खुशियों के लिए उनके कपड़े का, लिबास का, जो उनके पसंद का वो दिलाना है, ये सब चीज़ हम लोगों के तैयारी कर रहे हैं इसी सिलसिले में। और मज़ीद ये है कि अपने दो सहबाब जो बाहर से आए हैं हमारे मिलने जुलने वाले, उन लोगों के लिए खाने पीने का सामान, जैसे आपको है ये छोले की तैयारी करना, उसके बहुत सारा उसमें आइटम होता है, वो सब चीज़ परचेज करते हैं, दही बड़ा बनाने का ये सब चीज़ का परचेजिंग करते हैं, यही सब चीज़ें हैं, इसी सब से जुड़ करके बाज़ार से निकलते हैं। और इस वजह कर बच्चों को साथ में घुमाना ये ज़रूरी होता है कि
ईद की ख़रीदारी के साथ साथ बच्चे लोग जो दुकानें लगी रहती है उसे देख के अपने आप में उनको एक बिल्डअप होता है कि हम लोग ईद के परचेजिंग के लिए निकले, यही सारी चीज़ें हैं। आप कितने खुश हैं ईद का पर्व मनाने के लिए? बहुत खुश हूँ। क्या कुछ खरीदने आए आप? मैं कुर्ता पजामा। खरीद लिया आपने? नहीं। और भी कुछ लेना है? मिठाइयाँ, खिलौने, कुछ नहीं? नहीं। ईद के पर्व में सेवैयाँ जो होती है वो खास मिठास जोड़ती है इस त्यौहार में, और इसको लेकर बात करेंगे यहाँ मौजूदा दुकानदार से किस तरीके से इसकी बिक्री हो रही है। सेवई जो है वो खास मिठास जोड़ती है, आइए बात करते हैं यहाँ के दुकानदार से कितनी बिक्री हो रही है सेवैयाँ की। कितनी बिक्री हो रही है सेवैयों से? एक है तो लास्ट डेट है, अब तो बस आज ही भर है। क्या क्या बोल रहा है? सेवैयों की कितनी बिक्री हो रही है? सेवैयों की बिक्री दो दिन से थोड़ा सा है, सो है, कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ है, गिरानी के कारण ज्यादा सेल कोई बहुत अच्छा नहीं, सो है। बताइए कि मार्केट खुली है, आदमी फ्री है, मार्केट खुली, आदमी फ्री है, बेबाक होकर के अपना खरीदारी कर रहा है, लेन देन कर रहा है, मार्केट तो ठीक है, लेकिन महंगाई का थोड़ा असर है, प्रभाव, महंगाई का प्रभाव दिख रहा है, तो बिक्री थोड़ी कम हो चुकी है। बिक्री भी ठीक है, सो है, लेकिन जो आदमी एक किलो लेने वाले वो थोड़ा, मतलब जितनी आपको उम्मीद थी उस उम्मीद में खरे नहीं हो रहे हैं। चार आना डिफरेंस तो चार आना है महंगाई का, खरीदार तो बहुत है लेकिन इनकम का थोड़ा, इनकम कम हो रही है थोड़ी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोरोना के बाद आज हम लोग को थोड़ा सा फ्री मिला है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, और बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, ये लोग बहुत ज़्यादा उत्साह होके मार्केटिंग कर रहे हैं, पूरे दो साल बाद लोग जुड़ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत उत्साह के साथ बना रहे हैं ईद। ईद की मतलब जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं उसकी तैयारियाँ चल रही है, शॉपिंग हो रहा है, और क्या कुछ खरीदारी करने पहुँची हैं आप यहाँ? अभी तो फिलहाल जो हम लोग का मतलब बेसिक है, जैसे शेर कोरमा हम लोग जो बनाते हैं, सेवई बनाते हैं, उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए पहुँचे हैं, और क्या, वैसे कपड़े की शॉपिंग हो चुकी है, थोड़े बहुत बाकी है तो टाइम मिला तो हो जाएगी। क्या कुछ व्यंजन घर में बनाने वाली हैं आप? जैसे छोला, केमामी सेवई और शेर कोरमा, बेसिक ये सब। पूरे दो साल बाद जो ये त्यौहार है ये अच्छे से मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर बस यही है कि इस बार मतलब कि लॉकडाउन का कुछ ऐसा डर नहीं है, और हम लोग बहुत खुल के तैयारियां कर रहे हैं। दो साल से हम लोग ने ईद अच्छे से नहीं मनाई थी, क्योंकि हम लोग का एक ही साल में एक ही दो फेस्टिवल है, और जो हम लोग के मतलब जितना होता है इसमें मतलब दान भी करते हैं, खैरात करते हैं, और बहुत सारी दिल खोल के शॉपिंग भी करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, ईद की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, और दो साल के बाद लॉकडाउन के बाद जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन में आदमी एकदम बंधा हुआ था, कसा हुआ था, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म थी, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा, बहुत शिद्दत से हम लोग मना रहे हैं, और बहुत खुशी है, और हर चीज़ खरीद रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जी, ईद में लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो दूर से भी जो सगे संबंधी है, मित्र है, वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो कितने फ्रेंड्स लोग से मिलने की तैयारियां हैं, कितनी खुशी है? हाँ, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है फ्रेंड सर्कल में भी और रिश्तेदारों में भी, और एक एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का भी प्रोग्राम है, कि जो दो साल से हम लोग बंधे हुए थे वो दो साल जो बंधन जो टूटा है लॉकडाउन का, तो खुल करके ईद मनाना चाह रहे हैं, एक एक रिश्तेदार के यहाँ जाना चाह रहे हैं, एक एक फ्रेंड्स के यहाँ जाना चाह रहे हैं, हर तबका के, हर धर्म के लोग मेरे ये फ्रेंड्स हैं, और सबसे मिल करके गले गले मिल करके खुशी मनाना चाहते हैं और खुशी बांटना चाहते हैं। जी, देखा आपने क्या कह रहे हैं, कोई भी धर्म हो वो सभी के साथ मिलजुल कर इस पर्व का आनंद लेना चाहते हैं, गले मिलकर इस पर्व को जो है वो खुशी के साथ मनाना चाहते हैं। तो चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे देश जी न्यूज़। नमस्कार।